हेलो एवरीवन, मैं सुजीत सिंह आप सभी का दाइनों पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 010 का लेसन 10 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर में हम बात करेंगे उत्तर भारत में प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों का पुरातत्व, अभ्युदय और विशेषताओं के बारे में। अभ्युदय का अर्थ होता है यहाँ पे किस तरह से विकास हुआ नगरों का, और विशेषता का तो आपको पता ही है। ये लेसन इंपॉर्टेंट है और इस लेसन से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन भी बनकर आता है। तो चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों का आविर्भाव के बारे में। आविर्भाव का अर्थ होता है उत्पत्ति। तो किस तरह से नगरों की उत्पत्ति हुई, इसको लेकर कई सारे रीजन्स बताए जाते हैं, कई सारे कारण बताए जाते हैं, पर ज्यादातर जो कारण से रीजन्स हैं वो विवादग्रस्त माने जाते हैं। इसका रीजन ये है कि जो भी इतिहासकार जो इसके ऊपर में अपना विचार व्यक्त करता है कि इस तरीके से नगरों का उत्पत्ति रहा होगा, इस तरीके से नगरों के अंदर में चीजें रही होंगी, तो दूसरा इतिहासकार उसकी चीजों से सहमत नहीं होता, ठीक है, असहमति रहती है, जिसके कारण से यहाँ पे विवादास्पद माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे तो रामशरण शर्मा जी के द्वारा यहाँ पे कहा गया कि इतिहासकार इनके द्वारा एक तर्क दिया गया कि लोहे के औजारों से परिवहन सरल हो गया, जो भी यूज होता था यातायात इधर से उधर जाना साधन तो सरल हो गया, और व्यापार तथा शिल्प कला की उन्नति हुई। उनका ये मानना था लोहे के उपयोग से, लोहे के औजारों से इस तरह की चीजों में उन्नति हुई, उनका ये मानना था। पर लोह प्रौद्योगिकी को लेकर जो अन्य विद्वान थे उनके अंदर में आम सहमति नहीं बनती, जनरल एक ओपिनियन होता है वो एग्री नहीं करते इसको लेकर, ये चीजें यहाँ पे देखी गई। इसी तरीके से कई जगह पे यहाँ पे मतभेद दिखता है इतिहासकारों के बीच में, जिसके कारण से ये देखा जाता है कि जो प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्र थे उनकी उत्पत्ति किस प्रकार की हुई उसके कारण से यहाँ पे मतभेद है। कुछ यहाँ पे चीजें बताई गई हैं, जैसे लोह प्रौद्योगिकी हो गया, शिल्पकार हो गया, व्यापारी और श्रेणियों का उदय हो गया, राजनीतिक घटनाक्रम हो गया, बौद्ध जैन धर्म का उदय शामिल है। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग चीजों को पॉइंट आउट किया गया। कुछ इतिहासकार का कहना था कि लोह प्रौद्योगिकी के कारण से जो आरंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्र थे उनका उत्पत्ति हुई, कुछ का मानना था शिल्पकारों के कारण से, कुछ का मानना था व्यापारी और श्रेणियों के उदय के कारण से, कुछ का मानना था कि जो वहां पे घटनाक्रम चल रहे थे, राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे थे या फिर बौद्ध और जैन धर्म का जो उदय की जो सिक्वेंस था उसके कारण से यहाँ पे जो ऐतिहासिक नगरीय केंद्र थे उनका उदय हुआ, ये मानना था। तो अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग ओपिनियन थे, जिसको लेकर मतभेद देखने के लिए मिलता है, विवादग्रस्त देखने के लिए चीजें मिलती हैं, और सबने एक अपना अपना अलग ओपिनियन लेके चला। वहीं पर अगर आप आगे आगे बात करोगे तो निहार रंजन रे के द्वारा कहा गया कि अनेक पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त लोहे के औजारों से मात्रात्मक विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है। लोहे के जो भी औजार प्राप्त हुए उसके आधार पर जब उनका विश्लेषण किया गया तो उसके आधार पर इन्होंने कहा कि ये औजार अधिशेष उत्पादन के लिए पर्याप्त नहीं थे और कृषक की निर्भरता लकड़ी के हल और फावड़े आदि पर था। अब इनका ये मानना था, जैसे रामचरण शर्मा जी ने कहा कि लोहे के औजारों से क्या होगा, परिवहन सरल हो गया होगा, व्यापार और शिल्प कला में उन्नति हुई होगी, विकास हुआ होगा, ये मानना था रामचरण शर्मा जी का। पर वहीं पे निहारंजन रे का मानना था कि जो लोहे के औजार मिले उसका अगर हमने विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के आधार पर ये नहीं लगता कि ज्यादा चीजों के लिए विशेष उत्पादन के लिए इसका पर्याप्त था, लोहे के औजारों से चीजें किया जा सकता था, और जो कृषकों की निर्भरता रही होगी ना, किसानों की जो निर्भरता रही होगी कहीं ना कहीं लकड़ी के हलों के ऊपर में और फावड़ों के ऊपर में रहा होगा, लकड़ी के औजारों का ही उपयोग किसान करते होंगे, ये यहाँ पर निहारंजन रे का मानना था। वहीं पर आगे हम बात करें तो कृषिगत तो भूमिका के विषय में दिलीप के चक्रवर्ती और सेरीन रत्नागर की अगर बात करोगे तो इसका विरोध किया गया, उन्होंने इसके खंडन किया, इन चीजों का खंडन किया। इस प्रकार पहली शताब्दी के नगरीकरण का मुद्दा गतिरोध तक पहुंच गया, और अब तक इसका अगर अब इसके व्यवस्थित सर्वेक्षण की बात किया जाए तो गंभीर अध्ययन की आवश्यकता देखने के लिए नजर आता है। तो जो भी इतिहासकार आता है कोई भी इसके ऊपर टिप्पणी करता है कि नहीं ये इस तरीके से नहीं इस तरीके से रहा होगा, तो दूसरा इतिहासकार उसको अपोज करता है कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, यहाँ पे ये चीजें नहीं ऐसी रही होगी, तो इस तरीके से मतभेद आपस में देखने के लिए मिलता है। और अभी ये कंडीशन ये है कि जो भी ये चीजें हैं उसको दोबारा से कहीं ना कहीं सर्वेक्षण और गंभीर अध्ययन की जरूरत है, ये यहाँ पे कहा जा सकता है। ठीक है, समझ में आता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी व्यूअर से, जो भी हमारे दाइन का परिवार है, अगर अभी तक आपने हमारे द इनअप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। द इनअप पर आपको एमए हिस्ट्री से रिलेटेड सारी वीडियो मिलेंगी, ऑल सब्जेक्ट की वीडियोस मिलेंगी, पहले से बनाई हुई है, तो आप उन वीडियोस को जरूर जाकर देखें, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला एग्जाम में। नव इन्फो को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नव इन्फो पर आपके इग्नू से रिलेटेड जितने भी अपडेट होते हैं आपके एग्जाम के, असाइनमेंट के, जो भी अपडेट है इग्नू से टाइम टू टाइम जो अपडेट आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, वो आपको यहाँ पे नव इन्फो पर मिलने वाला है, और द इनअप के ऊपर में एमए हिस्ट्री की सारी वीडियोज आपको मिलने वाली है। और एमए हिस्ट्री के नोट्स के लिए आप गूगल ब्लॉगर पे जा सकते हैं, क्वेरा पे जा सकते हैं, गूगल ब्लॉगर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली जाकर आप एमए हिस्ट्री के नोट्स ले सकते हैं, जो अभी वीडियो में बना रहा हूँ इसके भी नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों की विशेषता है, प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों के विभिन्न विशेषताओं के आधार पर अगर हम बात करें
तो क्या थी? तो आकार हो गया, किलेबंदी हो गया, घर हो गया, शिल्प उत्पादन हो गया आदि का अध्ययन जब हम उसको करते हैं, जब हम उसको स्टडी करते हैं, तो जिसके बेसिस में हमें पता चलता है कि पारंपरिक ऐतिहासिक नगरी केंद्र की क्या विशेषता थी। जब आप उसके आकार के बारे में पढ़ते हो कि कितना बड़ा था, किलेबंदी मतलब उसको किस तरीके से घेराबंदी किया जाता था, किलेबंदी किया जाता था, क्या रीजंस होते थे उसके बारे में पढ़ोगे, घर के आकार किस तरह थे, घर की बनावट किस प्रकार की थी, किस तरह को घरों का निर्माण किया जाता था, शिल्प उत्पादन क्या था, किस प्रकार से शिल्प उत्पादन को बढ़ाया गया, आगे उसकी तरक्की की गई, विकास हुआ, शिल्प उत्पादन में किस तरह से ग्रो हुआ, उन सब चीजों के बारे में जब आप पढ़ोगे तब आप समझ पाओगे कि पारंपरिक ऐतिहासिक नगरी केंद्र की विशेषता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये भी समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें आकार के बारे में। आकार मतलब शेप, किस तरीके से क्या शेप रही, क्या आकार रहा, छोटा बड़ा घर मकान जो भी है, या जो भी क्षेत्र है, इलाका कस्बा जो भी है, वो कितना बड़ा, कितने दूर में फैला हुआ है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो नगरीय केंद्रों के आकार के संबंध में बहुत कम जानकारी मिलती है, ठीक है, उतनी ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, रीजन की बात किया जाए तो जैसे जो भी इतिहास हम पढ़ते हैं, जो भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री पढ़ने का कोई ना कोई स्रोत होता है, कोई भी चीज बोला जा रहा है, मैंने ये लाइन बोला, ठीक है, ये लाइन बोला या ये लाइन मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी लाइन में पढ़ रहा हूँ ना, तो उसका कहीं ना कहीं स्रोत होगा, कहीं ना कहीं से लिंक होगा कि उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। ऐसे तो है नहीं हिंदी में मैंने कुछ भी बोल दिया, तो कहीं ना कहीं हम स्रोत के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री के अंदर में कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे स्रोत का डिस्कशन करते हैं। तो स्रोत होता क्या है, तो जिसके जरिए हमें जानकारी मिल रहा है, ठीक है, जिसने हमें इस चीज के बारे में बताया। तो जानकारी के स्रोत नॉर्मली दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं पुरातात्विक, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, पुरातात्विक स्रोत जिसमें पुरातत्व से मिलता है चीजें, खुदाई के जरिए मिला, कोई भी मृतभांड मिला, सिक्के मिले, इमारतें मिली, तो ये जो पुरातात्विक स्रोत होता है ना, जो खुदाई के जरिए मिलता है, उसको हम पुरातात्विक स्रोत के आधार पर देखते हैं। दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में बहुत सारी चीजें आती हैं, कोई भी यात्रा वृत्तांत लेखक के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत हो गया, जो यात्री आए उनके द्वारा, ठीक है, राज के अंदर में जो भी वहाँ पे धर्म है, धर्म ग्रंथ हो गए, कोई और ग्रंथ हो गया, ठीक है, किसी तरह की और पुस्तक हो गई, उसके आधार पर। तो यहाँ पे दो तरह के स्रोत होते हैं इतिहास के अंदर में। तो अगर आप इन सब देखोगे, नगरीय केंद्रों की अगर हम बात करते हैं, तो भारत के नगरीय केंद्रों के अंदर में साहित्यिक स्रोत का ज्यादातर प्रमाण हमें नहीं मिलता है, तो ज्यादातर हमें पुरातात्विक स्रोत के आधार पर देखना पड़ता है। तो पुरातात्विक स्रोत का एक कमी क्या रहता है कि पुरातात्विक स्रोत के आधार पर आप चीजों को तो देख सकते हो, चीजों को समझ सकते हो कि ये चीज ऐसी है, पर उसका रियलिटी में किस तरह का क्या रहा होगा, वो सिर्फ आप एक अंदाजा लगाते हो, अनुमान लगाते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो कि आप एक छोटे से घर में रहते हो, छोटे से घर में छोटा सा बाथरूम है, छोटा सा रूम है, सब कुछ छोटा छोटा ही है, नॉर्मल इस तरह का, पर आप किसी बड़े घर में जाते हो और उसके मतलब बड़े घर में नहीं मतलब उसका इमारत ना पुरातत्व है, बड़ा घर है, ठीक है, और पूरा खंडर बन चुका है, वहां जाओगे, अब उसका बाथरूम भी आपके पूरे घर के बराबर है, तो आप सोचोगे शायद ये भी रूम है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारा घर तो छोटा छोटा है, तो हम उसके हिसाब से सोच रहे हैं, पर वो बड़ा है तो उसके हिसाब से हम ये चीजें सोचेंगे। तो मतलब हमें नहीं पता होगा कि उस रूम का उसका यूज क्या है, ठीक है, क्या पता वो बाथरूम के लिए यूज कर रहा हो, क्या पता उसका बेडरूम हो, हम उसको स्टोर रूम समझ रहे हो, ठीक है, तो हमें ये नहीं पता होगा उस टाइम पे कि क्या है, तो हम उसका एक अनुमान लगाएंगे कि शायद ये ना बाथरूम की तरह लग रहा है, तो बाथरूम होगा या ये स्टोर रूम होगा, ये एकदम सभी रूम के साइड में है, तो क्या पता इसको बाथरूम की तरह ही यूज करते हो, क्या पता स्टोर रूम की तरह यूज करते हो, तो इस तरीके से हम अनुमान लगाएंगे। तो पुरातात्विक आधार पर एक तरीके से सभी चीजों का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, समझ में आता है। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो नगरीय केंद्रों के आकार के संबंध में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, कुछ नगरों के किलेबंद होने का जानकारी मिलता है, परंतु उनका आकार जो है कितना बड़ा था उसका ज्ञात नहीं है। कौशाम्बी के जो किलेबंद रहित क्षेत्र है वो 25 हेक्टेयर में फैला हुआ है और भीटा का 5 हेक्टेयर में फैला हुआ है। स्थलों के आकार बहुत अधिक विभिन्नता मिलती है, ऐसा नहीं कि सभी जो भी आसपास के स्थल है वो सब में सिमिलर मिल रही है, कौशाम्बी का सिमिलर मिल रहा है, भीटा का सिमिलर मिल रहा है, ऐसा नहीं है, सभी के अंदर में कहीं ना कहीं डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ये चीजें हमें देखने के लिए मिल जाती है। किलेबंदी, किलेबंदी क्या होता है, जो बाहर से घिराव किया जाता है ना, नगर के बाहर से घिराव, उसको किलेबंदी कहते हैं। अधिकांश प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरी केंद्र किलेबंद थे, बसावट दीवार बाहर की ओर फैली हुई थी, ठीक है, जो बसावट होती थी ना कई बार वो बाहर की ओर फैली होती थी। कौन सी बसावट बाहर की ओर फैली होती थी, जो निम्न वर्ग होता था, जो ऐसे नॉर्मल क्लास के लोग होते थे, ठीक है, जो बाहर रहते थे, छोटा तबका होता था, उसको बाहर रहने के लिए, ठीक है, तो वो बसावट के बाहर भी, जो किलेबंदी होता उसके बाहर भी वो रहा करते थे, ठीक है, तो इस तरीके से बसावट दीवार के बाहर तक भी फैली होती। ऐसा नहीं होता था कि ये जो दीवार है इसी के अंदर में सारे लोग रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था, दीवार के बाहर भी बसावट यहाँ पे फैली हुई दिखती थी। इन किलेबंदियों के अंदर में अनेक स्मारकीय रूप से बनाया गया था, इसको जो निर्माण किया गया था स्मारकीय रूप से किया गया था, जैसे आप देखोगे कौशाम्बी, अच्छी गज का देखोगे, मथुरा देखोगे आदि में 15 मीटर की दीवार थी, 15 मीटर ऊंची दीवार थी, स्मारकीय रूप से बनाया गया, जिसके अंदर में 15 मीटर ऊंची दीवार थी। जो भी प्राचीर होते थे ना उसकी पुष्पबंदी कभी कभी
कच्ची ईंटों से की जाती थी, ईंटों से की जाती थी। पुश्तबंदी होता क्या है, तो पुश्तबंदी कहते हैं बैक साइड का जो हिस्सा होता है ना, पीछा का हिस्सा जो होता है किलेबंदी का, किले का, तो किले का जो पीछे का हिस्सा होता था उसको पुश्तबंदी जो कर किया जाता था, उसका पीछे की जो दीवार जोड़ी जाती थी वो कच्ची ईंटों से किया जाता था, क्योंकि उनका ये मेन रीजन रहता था कि इस पे उतना ज्यादा वो है नहीं, अगर कोई हमला भी हो रहा है कुछ भी हो रहा है तो बाहर सामने की साइड से ही होगा, बैक साइड से नहीं होने वाला, तो उसके कारण से कई बार कच्ची ईंटों का उसका अंदर जुड़ाव किया जाता था। नगर के प्राचीर के अंदर में जो प्राचीर का बनाया जाता था या किलेबंदी किया जाता था, इसका रीजन क्या होता था, तो बाढ़ से बचना, ठीक है, जो भी बाढ़ बाढ़ आ गया, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गया, तो उससे बचने के लिए, आक्रमणकारियों से बचने के लिए, और आदि सुरक्षाओं के लिए, और भी जो अन्य तरह की जो सुरक्षा होती है उससे बचने के लिए यहाँ पे किलेबंदी का उपयोग किया जाता था। जो प्राचीर द्वार होती थी वहां पे जनसंख्या कतिपय जो को बाहर रखने के लिए, कतिपय क्या होता है सर्टन क्लास, कुछ निम्न क्लास के जो लोग होते हैं, ऐसे सर्टन क्लास के जो लोग होते हैं, कतिपय वर्ग जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, तो सर्टन क्लास के लोगों को बाहर रखने के लिए, सर्टन क्लास होता क्या है, तो चयनित वर्ग मान लो एक तरह से, निश्चित वर्ग कि ये वाला वर्ग को हमें बाहर रखना है, ठीक है। जैसे मान लो चार पांच वर्ण है या वर्ग है, जो जाति व्यवस्था है उसके अंदर में जो सबसे निम्न वर्ग है ना, तीन चार जो निम्न वर्ग आते हैं उनको बाहर रखने के लिए, क्योंकि उनको नगर में प्रवेश नहीं होता था, नगर के बाहर रखा जाता था, किले के अंदर में प्रवेश अलाउ नहीं होता था, उनको बाहर रखने के लिए भी ये चीजें की जाती थी कि वो बाहर रहे, और एक तरह से बॉर्डर के तौर पर इसका उपयोग किया जाता था कि बॉर्डर इसके बाहर ही में रहना है, तो इस तरीके से किलेबंदी की जाती थी, ठीक है, समझ में आता है। आगे हम बात करेंगे प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्रों का बाहरी क्षेत्र की, अगर आप बात करो कि बाहरी क्षेत्र किस प्रकार का था, तो नगरीय केंद्रों के बाहरी क्षेत्र किलेबंदी से बाहर एक परिधीय क्षेत्र था, ठीक है, कि किस तरीके से परिधीय क्या चीज है, तो नगरीय केंद्र के जो बाहरी क्षेत्र होता था किलेबंदी के बाहर एक परिधीय क्षेत्र के तौर पर देखा जाता था। अकीरा सीमादा के द्वारा यहाँ पे कहा गया कि दक्कन के अनेक स्थल जैसे अमरावती, नागार्जुना कोड़ा, ठीक है, नागार्जुन कोड़ा, और संधि के द्वारा देखो यहाँ पे बोध मठ और अन्य संप्रदायों के से संबंधित वस्तुएं, अस्थि कलश और महापाषाण खोजे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अकीरा सीमादा था उन्होंने अमरावती में, अर्जुन नागड़ा में, अर्जुन कोड़ा में और संधि में यहाँ पे बोध मठ और अन्य जो संप्रदाय हैं उससे रिलेटेड कई सारी वस्तुएं उन्हें प्राप्त हुई, अस्थि कलश प्राप्त हुई, महापाषाण के जो पत्थर होते, बड़े बड़े पत्थर होते वो प्राप्त हुए, तो अलग अलग तरह की चीजें यहाँ पे अकीरा सीमादा को मिली है, जो एक तरह से ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे इस तरह से नगरीय केंद्र रहा होगा। और नगरीय केंद्र के बाद यहाँ पे हम बात करें नगरीय केंद्र का बाहरी क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र मतलब क्या, ये किलाबंदी हुआ, किलाबंदी का तो हमने बात कर लिया कि किलाबंदी किया गया, इसका आकार इस तरह से होता था, ये चीजें हमने समझ गए, पर इसके बाहर में भी क्या बसावट था, बाहर के अंदर में भी चीजें थी क्या, तो यहाँ पे किलाबंदी के जो बाहरी क्षेत्र था उसके अंदर में भी हमें ये चीजें देखने के लिए मिलती है, जिससे ये समझ में आता है कि यहाँ पर भी ये चीजें विकास हुई होंगी, इस तरीके से लोग रहा करते थे या ऐसा ऐसा चीजें रहा होगा, तो इसके बारे में हमें पता चल जाता है, ये अकीरा सीमादा के द्वारा यहाँ पे बोला गया। आगे आप बात करोगे तो सीमादा के अनुसार कहा गया कि नगर या कस्बा के सीमांत में अवस्थित है, जो नगर कस्बा होता था एकदम सीमांत में, सीमा के एकदम एंड पे स्थित हमें चीजें देखने के लिए मिलती थी, यह परिधीय क्षेत्र का एक प्रकार का वह स्थल था जहाँ व्यापक सामाजिक समूह वास करता था, जहाँ पे नगर बनाया जाता था ना वो हमेशा ये देखा जाता था कि वहां पे व्यापक समूह वास करे, वहां पे ज्यादातर लोग रहे, ठीक है, घनी आबादी वहां पे विकसित हो, इस तरह की चीजें की जाती थी। और नगर बनाने के मेन रीजन ऐसा नहीं होता था कि कहीं भी जाकर बना लिए, ठीक है, तो नगर जब बसता था ना तो सबसे मेन चीज पहले देखा जाता था कि पानी का वहां पे है, साधन है या नहीं है, किस तरह का वहां पे संसाधन व्यवस्था है, पर्यावरण व्यवस्था किस प्रकार का, खान पान की उपलब्धता किस प्रकार की है, इस तरह की अन्य चीजों का वहां पे चेक किया जाता था, जिसके बाद वहां पे नगर का बसावट स्टार्ट किया जाता था। मेनली वहां पे जल का वो देखा जाता था, स्रोत देखा जाता है, पानी का स्रोत क्या है, और उस टाइम में आज के समय में क्या आपको कहीं जाना है तो ओला बुक कर रहे हो जा रहे हो, उबर बुक कर रहे हो जा रहे हो, फ्लाईओवर आपके घर के पास से गुजर रहा है, कहीं ना कहीं से गुजर रहा है, आप वहां से पकड़ लिए, फ्लाईओवर से आप निकल गए, बस से निकल गए, सब ये ऑप्शंस हैं। पर उस टाइम की चीजें तो थी नहीं कि आपको भाई फ्लाईओवर मिल रही है, बस मिल रहा है, फ्लाईओवर से सीधा जाना है आपको, रोड मिल रहा है, ऐसा तो था नहीं। तो जो भी यातायात के साधन होते थे ना उसमें सबसे प्रमुख साधन के तौर पर जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। तो जल का आसपास का जो क्षेत्र होता था, नदी के आसपास का क्षेत्र होता था, वहीं पर बड़े बड़े नगरों का यहाँ पर देखोगे तो वो बसावट आपको देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो इलाहाबाद को ले लो, बनारस को ले लो, दिल्ली को ले लो, कोलकाता को ले लो, तो जो भी नगर होते थे ना वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी समुद्र मतलब वो नदी तट के किनारे पे ही बसा हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा, जहां से साधन के तौर पे मतलब उसका एक यातायात के साधन के तौर पे उसका विकास होता है और ये चीजें देखा गया। ठीक है, ऊपरी गंगा के मैदानों में स्थित इंदौर खेड़ा की अगर आप बात करोगे तो प्रमुख बसावट के बाहर अनेक टीलों की खुदाई की गई। यहाँ पे जब प्रमुख बसावट जो थी, मेन जो यहाँ पे लोग रहते थे उसके बाहर जो अनेक टीलों की खुदाई की गई, तो वहां पे गैर घरेलू स्थलों का उत्खनन किया गया। वहां से बहुत सारे गैर घरेलू, दो तरह के स्ट्रक्चर होते, एक सार्वजनिक होता है, गैर घरेलू, एक गैर घरेलू या सार्वजनिक और गैर घरेलू, इस तरह से बोला जाता है।
ठीक है। तो घरे गैर घरेलू स्थलों का वहां पे बहुत सारी चीजों का उत्खनन किया गया। गैर घरेलू होता क्या है, तो जिस पर में मतलब घर के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएं नहीं होती हैं। मान लो कोई ऐसा मिला, बैठक मिला जहाँ पे सार्वजनिक तौर पे, जहाँ पे सभी लोगों का हक है उसके ऊपर में, कोई पार्क मिल गया, कोई मान लो म्यूजियम मिल गया, कुछ भी वट एवर, आज के समय के हिसाब से मैं बताऊं तो कोई पार्क हो गया, म्यूजियम हो गया, तो उसमें क्या मेरा पर्सनल राइट नहीं है ना, कोई मंदिर हो गया, तो इस तरह की चीजें मिली जो गैर घरेलू उत्खनन किया गया, और वो बसावट के बाहर की चीजें हमें देखने के लिए मिली कि मेन बसावट इस जगह पे रह रहा है, यहाँ पे ज्यादातर लोग रह रहे हैं, और ये बसावट के बाहर यहाँ पे जाकर वो चीजें हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो पहले तो जो इतिहासकार होता था वो नॉर्मली ये फोकस करता था कि लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो यहीं पर हमें चीजें करना है, यहीं पर ढूंढना है, पर एक मेंटेलिटी ये भी बनी कि नगरीय केंद्र के बाहरी क्षेत्र के अंदर में क्या है, क्या चीजें हैं, किस तरह का प्रमाण में देखने के लिए मिलता है, और जो लोग रह रहे हैं उसका इम्पैक्ट बाहरी क्षेत्र में किस प्रकार से पड़ता है, वो भी यहाँ पे देखने के कारण से ये चीजें की गई। ठीक है, मध्य गंगा के मैदानों के अंदर में जो भीतरी गांव थे और गुप्तकालीन मंदिर का ताम्रपत्र जो होते हैं उसके कई सारे अभिलेख मिलते हैं भीतरी गांवों के अंदर में, गंगा के मध्य मैदानों के अंदर में देखा जाए तो। यह मंदिर स्कंद गुप्त के काल का देखने के लिए मिलता है हमें। सोक क्षेत्र के अंदर में एक शिखर वाले देवालय का उत्खनन किया गया। देवालय क्या होता है, जहां पे मंदिर को ही देवालय कहा जाता है, देवों का स्थान देवालय। नगर का फैलाव किस प्रकार से होता था इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो नगर के फैलाव का साक्ष्य तक्षशिला घाटी में मिलता है कि किस तरीके से फैलाव हुआ। दो नगर यहाँ पे सिरकप और चार सड़ा यहाँ पे मिलता है, दो नगर मिलते हैं जो सिरकप और चार सड़ा के नाम से जाने जाते हैं, जो उनका प्रारंभिक ऐतिहासिक विशेषताएं कई सारी मिलती हैं। सिरकप की अगर आप बात करोगे तो ग्रिड योजना के रूप में इसको बनाया गया, ग्रिड योजना पद्धति के हिसाब से इसकी बसावट हमें देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे ग्रिड योजना पद्धति होता क्या है, तो लास्ट वीडियो जो मैंने चैप्टर नंबर 9 करवाया था हड़प्पा वाला, जिसे मोहनजोदड़ो वाला, उसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर बताया था कि ग्रिड योजना होता क्या है। तो ग्रिड योजना मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटना। आपने मैथ की बुक देखा होगा जिसमें इस तरह की लाइनिंग होती है, हर एक बॉक्स ना दूसरे बॉक्स को 90 डिग्री के एंगल पे काटता है, जितने भी बॉक्स होंगे ना एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काटते हैं, तो इसी को हम ग्रिड कहते हैं कि ग्रिड पद्धति के हिसाब से बनाए। मान लो एक घर इधर बनाए, एक घर इधर बनाए, एक घर इधर बनाए, तो मतलब प्रॉपर एक ग्रिड पद्धति के हिसाब से घरों का निर्माण किया गया, बसावट का यहाँ पे बसाया गया। इसी प्रकार से अगर अगर आप चारसडा में देखोगे तो प्रारंभिक नगर वाला जो हिसार था उसको अयनोजित कहा गया। हिसार होता क्या है, तो किले की जो चार दीवारी होती थी, परकोटा होता था, ठीक है, जो छज्जा जिसे कहते हैं परकोटा कहते हैं, चार दीवारी कहते हैं, तो उसको हिसार के नाम से जाना जाता। तो अनियोजित था, अनप्लैंड था वो, मतलब ऐसा नहीं था कि प्लान करके बनाया गया कि भैया यहाँ पे छज्जा देना, छज्जे के अंदर में ये देना है, ऐसा नहीं था, ठीक है, वहां पे परकोटा देना ये चीजें नहीं थी। तो वहां पे ना जो चारसडा के अंदर में जो नगर वाला प्रारंभिक नगर का क्षेत्र देखोगे तो वहां पे हिसार अनियोजित तौर पर से बनाया गया, ये माना गया। अब ये पता कैसे चला होगा कि अनियोजित तौर पे था, ये चलिए कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप भी एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, आप नगरीकरण के बारे में आप जान रहे हो, 10 चैप्टर पढ़ा है, तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि किस बेसिस पे बोला गया कि ये वाला अनियोजित था और ये वाला नियोजित था। तो आप मुझे बताइए कि जो हिसार का क्षेत्र था चारसडा में, वो किस बेसिस पे बोला गया कि अनियोजित था, देखते कितने स्टूडेंट को पता है, और नहीं भी पता है ना तो जस्ट फ्लू के क्या है क्या नहीं है, जस्ट फुक्का लगाओ, क्या पता आपका सही जाए, कम से कम लगाओ तो सही, बोलो तो सही, कमेंट तो करो। ठीक है, ग्रिड योजना से पता चलता है कि नगरों की स्थापना, ठीक है, राजनीतिक सत्ता में मौजूद थी, तीव्र गति से निर्माण हुआ होगा। और जैसे आप देखो नॉर्मल मान लो, जैसे मैं जिस एरिया में रहता हूँ आसपास के क्षेत्र देखोगे ना, जैसे हमारी गली निकल रही है इधर से, तो इधर से मान लो 20 फुट की गली है, आगे जाते जाते ना ये ऐसे जाकर ऐसे हो गया है, ठीक है, जैसे लगे कि बंद गली और यहाँ पे मुश्किल से 10 फुट का रास्ता बचा हुआ है, 20 फुट 10 फुट में बदल गया, ऐसा क्यों हुआ भैया? तो देखो यहाँ पे जो आगे वाला डीलर था ना वो बहुत बड़ा समझदार आदमी था, ठीक है, समझदार ही कह सकते उसको, क्योंकि उसने इतना दिमाग लगाया होगा, तो जिसके कारण से चीजें हुई। पर आप जब देखते हो कि किस तरीके से जो ये सिरकप में या चारसडा में ग्रिड पद्धति का यूज किया गया, उसके हिसाब से इमारतों का निर्माण किया गया, बसावट का निर्माण किया गया, तो जिसमें हर एक चीज 90 डिग्री पे एंगल पे कटती है, हर एक गली 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को विभाजित करती है, तो उसके कारण से समझा गया कि ये राजनीतिक पद्धति के अनुसार बनाया गया होगा। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा प्लॉट्स काटे जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा उसका डिजाइन किया जाता है, या प्री डिजाइनिंग जिस प्लॉट की होती है पहले से, जिस खेत की प्री डिजाइनिंग होती है कि इस तरीके से इमारतें बननी है, तो उसकी जो गलियां होती हैं, सड़कें होती हैं, वो चौड़ी होती हैं, पहले से इस तरीके से बनी होती हैं। पर एक बार ऐसी अंधा लंगड़ा लूले के हाथ में दे दो प्लॉट के हाथ को काटना है, तो फिर क्या करेगा वो, बस वो जिधर मर्जी दिल किया उधर से काट दिया, टेढ़ा मेढ़ा लंगड़ा सीधा, वो चीजें होती है हमारे आसपास में दिल्ली में जहां पे रहता हूँ उस तरह की, यहाँ पे लोकल एरिया में यही चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। पर जब यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रिड योजना से चारसडा का निर्माण किया गया, सिरकप का निर्माण किया गया, तो इसका मेन रीजन देखा गया कि कहीं ना कहीं राजनीतिक सत्ता मौजूद रही होगी, राजनीतिक व्यवस्था मौजूद रही होगी, जिसके बेसिस पे ये चीजें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं।
और जो भी ये निर्माण किया गया होगा ना वो कहीं ना कहीं तीव्र गति से निर्माण किया गया होगा, जिसके कारण से चीजें हमें देखने को मिलती है। नगरों के अंदर में अनेक ब्लॉक में विभाजित थे, जो नगर होते थे वो अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया था। इसका मेन रीजन क्या होता था कि नगरों को ऊपर में जैसे याद रखने में, जाने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में और चीजों को समझने में आसानी हो, जिसके कारण से ये भी समझा गया कि इनको ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तृतीय शताब्दी के अंदर में राजघाट और कौशाम्बी के आसपास का जो आवासीय घर थे, बड़े पैमाने पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ सार्वजनिक नालियां और कुएं, कुओं के और तालाब के साक्ष्य मिलते हैं हमें, पत्थर के कुएं और तालाबों के हमें साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं, जिससे नागरिक सत्ता की हमें जानकारी मिलती है कि किस तरह का यहाँ पे नागरिक सत्ता रहा होगा। यही स्थिति यहाँ पे राजघाट और सुवर्णपुर का भी देखने के लिए मिलता है हमें। सुवर्णपुर के अंदर में आप देखोगे तो ईंट से निर्मित एक परिसर है, जिसमें तीन तालाब और गाद जमा के लिए एक गड्ढा बनाया गया है। गाद जमा क्या होता है, जहां पे गंदगी को जमा किया जाता है, जो कीचड़ होता है, गाद होता है, उसको जमा करने के लिए यहाँ पे गड्ढा भी खोदा गया था और तालाब का भी हमें साक्ष्य यहाँ पे मिलता है। इसको जोड़ने के लिए पानी के प्रवेश और निकासी की नलियां भी बनाई गई। इस प्रकार पानी का पूरा व्यवस्था यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप बात करोगे सार्वजनिक भवन और धार्मिक भवन के बारे में, तो किस प्रकार का सार्वजनिक भवन और धार्मिक भवन था, तो कई नगरों के अंदर और कस्बों के अंदर में आप देखोगे तो सार्वजनिक और धार्मिक भवनों के अवशेष मिलते हैं। इसमें सर्वाधिक कुम्हार करके पाटलिपुत्र के अंदर में हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें एक स्तंभ युक्त आयताकार हॉल हमें देखने के लिए मिलता है। पाटलिपुत्र का भी करंट नाम क्या है आपको पता है क्या? चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट को पता है। पीछे की कई वीडियोस में हमने इस पाटलिपुत्र के बारे में डिस्कस किया था डिटेल में इसी बुक के अंदर में, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट को पता है कि पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है। इसकी नींव जो थी पत्थर के 80 विशाल स्तंभों के स्तंभ मिले हैं। इसके नींव का जब खुदाई की गई, इसका पुरातात्विक आधार पर जब उसकी खुदाई की गई, तो नींव के अंदर में 80 विशाल स्तंभ मिले हैं पत्थरों के। इस महल को महल या धार्मिक स्थल कहा जा सकता है इसको। अब जब इसको खुदाई की गई तो हमें पता नहीं है कि इसका किस चीज के लिए उपयोग किया जाता था। तो कुछ इतिहासकारों ने इसको धार्मिक स्थल के तौर पे देखा, कुछ इतिहासकारों ने इसको महल के तौर पे माना। जी आर शर्मा के द्वारा यहाँ पे कहा गया कि कौशाम्बी का उदयन जो महल है वो महल के तौर पर पहचान की गई, जो बौद्ध का समकालीन था, बौद्ध जो धर्म था उसके समकालीन यहाँ पे माना गया। बीबी लाल के द्वारा इसका खंडन किया गया कि इसको माने से इंकार किया गया कि नहीं, इस तरह की चीजें नहीं रही होंगी। सार्वजनिक भवनों के रूप में महल का रूम साक्ष्य देखने के लिए हमें मिल जाता है, परंतु धार्मिक भवनों के कई साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें कौशाम्बी का किलाबंद नगर हो गया, घोसीता राम मठ हो गया, गगनी विहार, गन वारियार के वर्गाकार चार उपसान स्थल हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, और अनेक मठ हमें धार्मिक भवनों के रूप में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जैसे देखो, जैसे स्ट्रक्चर मिला, तो स्ट्रक्चर मिलने के बाद हमें अब ये पता नहीं है इस स्ट्रक्चर को देखकर कि ये भवन है, रूम है, घर है, मकान है या मंदिर है, ये हमें नहीं पता। धार्मिक स्थल हमें नहीं पता, तो उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि अच्छा इस तरह का स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर में शायद भवन होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर में इमारत होगी, इसके अंदर में ये होगा। मुझे एक ना इंटरव्यू याद आ रहा है, लल्लन टॉप करके एक यूट्यूब चैनल है जो न्यूज का भी काम करते हैं, न्यूज भी कवर करते हैं, उनके एक इंटरव्यू एपिसोड के अंदर में एक इतिहासकार आए हुए थे, मुझे नाम याद नहीं है उनका, ठीक है, मोमडन थे वो इतिहासकार आए हुए थे, जिन्होंने कई सारे जो मंदिर है उसको उनको ने रिस्टोर किया। अब उनका इंटरव्यू मैंने देखा था थोड़ा सा, तो उसमें वो बता रहे थे कि कई सारे उन्होंने मंदिरों का रिस्टोर किया। अब मंदिर का रिस्टोर कर रहे थे तो बता रहे कि क्या एक्सपीरियंस है, कैसे उन्हें पता चलता था कि मंदिर है, किस चीज का मंदिर है, कौन कौन से मंदिर है, कितने मंदिर को उन्होंने रिस्टोर किया, इसके बारे में बताया। उन्होंने राम मंदिर के लिए भी काम किया था, पुरातात्विक टीम के अंदर में वो राम मंदिर के लिए भी काम करे थे, उसमें खुदाई का काम किया, कैसे वहां पे राम मंदिर के जो प्रमाण मिले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी अपनी बुक्स के अंदर में बाकी चीजों के अंदर में वहां पे बयान दिया, ठीक है, गवाही दी, जिसके बाद वो राम मंदिर का फैसला क्लियर हो सका, ठीक है। तो ये चीजें भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाती है। घरों के अगर आप बात के बारे में बात करो तो प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीय केंद्र के जो घर के प्रमाण मिलते हैं, तक्षशिला, सिरकप और सोख इंदौर, खेड़ा और भीटा के हमें प्रमाण मिलते हैं। सोख से मिले घर के जो हमें प्रमाण मिलते हैं, 7 कमरों का प्रमाण मिलता है और एक नियोजित पंक्ति में बने हुए कमरे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। इस घर में पहुंचने का जो रास्ता होता था एक सकरी गली से होकर घुसता था और जो प्रांगण में ले जाती थी, प्रांगण मतलब आंगन में ले जाती थी। इस घर के अंदर में 2 प्रांगण होते थे, एक बाहर और एक भीतर के अंदर, भीतर 2 प्रांगण हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। बाहरी जो प्रांगण होता था, दक्षिण में एक दरवाजा था जिससे होकर अंदर के प्रांगण में पहुंचा जा सकता था। कभी 7 कमरों का एक ही, जो भी कमरे होते थे 7 कमरे का एक ही प्रांगण में उनके दरवाजे खुलते थे। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था आपको कि किस तरीके से घरों का निर्माण किया जाता था। तो फॉर एग्जांपल मान लो इस तरह का घर है और इस तरह से साइड में ना रूम्स बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जितने भी है ना ये रूम्स बने हुए हैं
और ये सभी रूम्स के जो दरवाजे हैं ना, ये सारा इसी हॉल के अंदर में आएगा, इसी इसमें आएगा जिसको हम आंगन के तौर पे देखते हैं, और यहाँ पे गेट लगा होता था। इस तरीके से यहाँ पे घरों का निर्माण किया जाता था। सेम तरीके से यहाँ पे इसकी बात हमें प्रमाण देखने के लिए मिलते हैं। दक्षिण के कोनों के द्वारा कतार में चूल्हे का भी अवशेष मिलता है, चूल्हों का उपयोग किया जाता है, उसका भी हमें अवशेष मिलता है दक्षिण के कोनों के अंदर में। इस घर की जो नालियां होती थी उसको सोख गड्ढे स्थापित किए जाते थे, जो घर की नालियां बहती थी उसके लिए सोख गड्ढे का निर्माण किया जाता था। सोख गड्ढे होता क्या है, तो एक तरह से गोद खोदा जाता था जिसके अंदर में गंदा पानी आके स्टोर होता था, जो भी गाद होता था, कचड़ होता था, वो जाके स्टोर होता था, और एक बार वो गड्ढा भर जाता था तो दूसरे गड्ढे के अंदर में नाली को डाइवर्ट कर दिया जाता था, जिसके अंदर में उसमें पानी स्टोर होता था। और जो गड्ढे का निर्माण किया जाता था कुछ इस तरीके से होता था कि पानी अपने आप सोखता चला जाता था, जिसके कारण से इसको सोख गड्ढा भी कहा जाता था। इंदौर खेड़ा के जो सात घर होते थे, एक बड़े भाग का उत्खनन किया गया जहां पर इनकी दीवार कच्ची ईंटों की बनी होती थी, ईंट पर मिट्टी के प्लास्टर भी लगाया जाता था। यहाँ के घर के बाहर और भीतर आंगन मिलता है देखने के लिए। मार्शल ने भीटा के कई घरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। सबसे प्राचीन जो घर था मार्शल ने उसको हाउस ऑफ गोल्ड के नाम दिया, और जो मौर्य काल का और कच्ची ईंटों से बना हुआ है, यहाँ पे मार्शल के द्वारा में उसको हाउस ऑफ गोल्ड का नाम दिया गया। इसमें भी एक आयताकार प्रांगण हमें देखने के लिए मिलता है। आयताकार प्रांगण मतलब क्या, आयताकार यहाँ पे आंगन पूरा देखने को मिलता है। प्रांगण इक्वल टू आंगन होता है, प्रांगण को ही आंगन बोला जाता है, ठीक है। कुछ कमरों की जो दीवारें होती थी वो मोटी होती थी, जिससे हमें पता चलता है कि इससे ऊपर दूसरी मंजिल के भी घर रहे होंगे, ठीक है, दूसरी मंजिल के भी घर होंगे। दीवारें मोटी तो ये भी अंदाजा लगाया जाता था कि इसके आसपास में दूसरा मकान भी बनाया जाता होगा, और यहाँ पे दो अलग अलग लोगों के मकान होते होंगे, तो इसका भी हमें अंदाजा इसके बेसिस पे लग जाता था। हाउस ऑफ गोल्ड के ठीक पश्चिम में एक घर था जिसको यहाँ पे मार्शल ने हाउस ऑफ नागदेव के नाम से दिया, इसको नागदेव नाम दिया, ठीक है। नागदेव मतलब मंदिर भी होता था कि मंदिरों का नागदेव, या फिर देवालय, ऐसे ऐसे करके कई सारे नाम दिए गए। तो यहाँ पे मार्शल ने पहला नाम दिया था हाउस ऑफ गोल्ड, दूसरा नाम दिया था हाउस ऑफ नागदेव। यहाँ पे हाउस ऑफ गोल्ड क्यों कहा जाता है, इसका रीजन यहाँ पे देखा जाता है कि मिट्टी के जैसे जो भी घर बनाए जाते थे, कच्ची ईंटों का निर्माण किया जाता था, और कच्ची ईंटों के ऊपर में मिट्टी का ही प्लस्तर किया जाता था, मिट्टी के ऊपर से प्लस्तर। अगर आप गांव जाओगे तो आज भी आपको कई सारी जगहों पे इस तरह से मिट्टी के प्लस्तर दिख जाएंगे। इवन मैंने कुछ समय पहले भी जब गांव गया हुआ था तो मैंने देखा कि इस तरह की चीजें हमारे गांव में अभी भी, मतलब अब नंबर ऑफ हाउसेस कम है इस तरह के, जो इस तरह के घर का निर्माण करते हैं या मिट्टी के घर आपको देखने के लिए मिलेंगे, पर अभी भी कई सारे घर हमें देखने के लिए मिले, ठीक है। धीरे धीरे समय के साथ में वो खत्म होते जा रहे हैं, बट अभी भी देखने के लिए हमें मिल जाते हैं। तो इसके कारण से जो मिट्टी के घर होते थे वो गोल्ड चमकते थे सोने की तरह, जिसके कारण से यहाँ पे हाउस ऑफ गोल्ड कहा गया उनके द्वारा। और हाउस ऑफ नागदेव क्यों कहा गया ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट को पता है। शिल्प उत्पादन का किस प्रकार से विकास हुआ, शिल्प उत्पादन की किस तरह से उन्नति हुई, इसके बारे में आप बात करो तो एक प्रमुख विशेषता में शिल्प उत्पादन का हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें कपड़े या मिट्टी के चित्रण, जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसमें किस तरह से चित्रण किया जाता था, और सांचे मूसा के स्वर्णाकार कुठली शामिल है, किस तरह से सांचे ढाले जाते थे, सांचे ढालने के लिए जो स्वर्णकार होता था, जो गोल्ड ज्वेलरी होता था, जो ज्वेलरी वाला होता था आदमी ना, जेवर जिस सोनार, जिसको हम स्वर्णकार सोनार बोलते हैं, कि सोनार के पास में जो गहने जेवर बनाने जाते हैं, वो किस तरह से मूसा का उपयोग करता था। अब यहाँ पे मूसा मतलब ये नहीं कि चूहे का उपयोग, मूसा एक तरह का पात्र होता है, ठीक है, बर्तन होता है, जिसके अंदर में ना मतलब धातु को गलाते हैं। आपने फेसबुक पे बहुत सारी वीडियोस, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखा होगा जिसमें लोहे को, अलग अलग चीजों को गलाकर किसी और चीज को बनाते हैं, ठीक है, सांचे में डालते हैं। तो किस तरह से मिट्टी के बर्तनों का सांचा हमें देखने के लिए मिलता है, चित्रण किस प्रकार से किया जाता था, सुनार का किस तरह से उन सांचों का उपयोग करता था, और जो सांचा होता है ना उसको मूसा कहा जाता है, या फिर कुठाली बोला जाता है, कुठाली, ठीक है। तो यहाँ पे अलग से भी मैंने यहाँ पर बता रखा है आपको कि होता क्या है, तो यहाँ पे कुठाली भी बोला जाता है, कुठाली के साथ साथ क्विलिया भी बोला जाता है, घरिया भी बोला जाता है, यहाँ पे अलग अलग नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। कुछ स्थलों पे अलग अलग प्रकार के शिल्प सूचक हमें मिलते हैं, जिसमें सोप और कूची भी मिल देखने के लिए मिल जाता है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के को यहाँ पे देखोगे तो कोपिया के अंदर में शीशे का उत्पादन का उल्लेख हमें मिलता है, कि शीशे का उत्पादन यहाँ पे किया जाता था, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है, पूरा लेसन यहाँ पे मैंने एंड करवाया आपका, लेसन नंबर हमारा 10 खत्म हो चुका है। डे बाय डे हम आगे की ओर बढ़ेंगे, और जितने भी लेसन आगे के हैं आपके इस चैप्टर के, इस बुक के, हम खत्म करेंगे। बस रिक्वेस्ट एंड ऑफ द वीडियो यही रहेगा कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से वीडियोस बना सके, और अच्छे से मेहनत कर सके, और आपके लिए अच्छी वीडियो, अच्छी क्वालिटी के साथ में आपके सामने लेकर आ सके। और अगर हमारी वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल लगती है कि हाँ आप इस वीडियो को देखा आपने तो आपके लिए यूजफुल था, आपको समझ में आया, टॉपिक को समझ में आया, क्रिस्टल क्लियर हुआ, आपने बुक पढ़ा समझ में नहीं आया पर ये वीडियो देखा समझ में आया, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं कि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके, वो भी इन चीजों को समझ सके, और इजिली इजी लैंग्वेज में
देखो मेरा मेन मोटिव ये होता है ना कि मैं खुद भी एमएसटी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं इस मोटिव के साथ में वीडियो बना रहा था कि जो चीजें मुझे समझने में दिक्कत हुई ना, रीजन ये होता है कि एक बुक का लैंग्वेज समझना थोड़ा सा दिक्कत होता है, और एक बार आप चीजों को समझ जाओ, माइंड में अगर रह जाए कि इस तरह से चीजें रही होंगी। अब मैंने आपको बताया हाउस ऑफ गोल्ड क्यों कहते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हाउस ऑफ गोल्ड क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो मिट्टी का प्लस्तर किया जाता था और मिट्टी का प्लस्तर साइन करता था, येलो कलर का गोल्ड की तरह साइन करता था, जिसके कारण से उसको हाउस ऑफ गोल्ड कहा गया। ठीक है, अब वो ना आपके माइंड में रहेगा कि इसके कारण से ये चीजें था। अगर आप नॉर्मल बुक में पढ़ोगे ना हाउस ऑफ गोल्ड उन्होंने नाम दिया, तो हाउस ऑफ गोल्ड नाम क्यों दिया आपको नहीं पता चल रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये चीजें आपको याद नहीं रहेंगी, आप उसको लंबे समय तक लेके नहीं चल सकते, एग्जाम में प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इजी वर्ड में समझाऊं, ठीक है, आपके माइंड में सेट करूं चीजों को कि जिससे आपको समझ में आए, और जो प्रॉब्लम मैं फेस करता था ना समझने में चैप्टर को, वो आपको ना हो, इसके कारण से मैं ट्राई करता हूँ कि इजी वर्ड में, सिंपल वर्ड में आपको अच्छे से लेकर आऊँ। ठीक है, और ये जो MHI 10 है वन ऑफ द टफेस्ट बुक आप कह सकते हो एमए हिस्ट्री का, क्योंकि इसके अंदर में सबसे ज्यादा बैक आता है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इस बुक को समझते, क्योंकि एक लंबा टाइम पीरियड को कवर करता है और सब में एक ही तरह के क्वेश्चन होते हैं कि किस तरह से क्या चीजें हैं, किस तरह से क्या चीजें बन रही है, कहाँ पे क्या नगर रहा, ठीक है, उनकी व्यवस्था किस प्रकार की, यही क्वेश्चन बनता है, उसके कारण से और ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैं सभी व्यूवर्स जो हमारे भाइयों का प्रिपेयर है 60,000 के करीब में पहुंच चुका है, रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हमें 1,00,000 पे टच करना है। जो भी व्यूवर्स हैं हमारे, जो भी हमारे से जुड़े हुए हमारे द इनअप का परिवार का हिस्सा बने, हमारे द इनअप को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नव इन्फो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा द इनअप का परिवार और बड़ा हो सके। और अगर आपको MHT का नोट्स चाहिए तो डायरेक्टली आप गूगल ब्लॉगर पे जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप गूगल ब्लॉगर पे देख सकते हो। इस वीडियो की भी PDF जो आपको है या नोट्स है आपको गूगल ब्लॉगर पे मिल जाएगा, वहां से आप स्टडी कर सकते हो। यहां पे मैं वीडियो एंड करूंगा, थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।